निंग माय नेम इज जोशित सिंह। वेलकम टू ग्रेड अप इंडियाज लार्जेस्ट लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो भाई, क्या हाल है आप सभी के? फटाफट से बता दीजिए, स्वागत है आप सभी का प्रारंभ सीरीज के एक और शानदार से सेशन में। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाय अमन, क्या हाल है दोस्त? एक बार फटाक से बताएंगे कैसे हैं आप लोग। कमेंट बॉक्स में शेयर किया नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, एंड जस्ट हिट दैट लाइक बटन विद फुल पावर। मैं भी शेयर कर देता हूँ भाई फटाक से, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि लाइव आ चुके हैं। तब तक गाइस, कैन यू प्लीज लेट मी नो कि कैसे हो आप इन द कमेंट बॉक्स, एंड कैन यू जस्ट हिट द लाइक बटन फुल पावर के साथ, ठीक है? बाकी भाई, फूफा लोगों को बुलाना पड़ता है यार, आते नहीं है एक बार में। हाँ जी, दूसरी बात, आप लोगों के कौन कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, कैन यू प्लीज राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स द नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाईवे मटीरियल जो आपको आज तक समझ ही नहीं आया, बता दो जरा। जो डिजाइनिंग होती है बिटुमिन मिक्स की, उसमें ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपके बिल्कुल ऊपर से ही निकले जा रहा है? बहुत कोशिश करी है, बहुत परिश्रम करा है, फिर भी उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा है। फुल पावर के साथ एक बारी बता दीजिए, शेयर कर दीजिए भाई एकदम। इस टाइम क्लास चल रही है क्योंकि 6 बजे सर्वज्ञ सर की। चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, इसी बहाने क्लास का टाइमिंग बढ़िया है तो कंटिन्यू भी कर लेंगे, कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है? मार्शल टेस्ट बता दिया दुर्गेश ने, बाकी लोग भी बता दीजिए, जो बताएगा उसको आज क्या जवाब भी मिलेगा। इस सेशन में हम बेसिक से जाएंगे एकदम, और हर एक वो चीज को समझेंगे जो यहाँ पे कोई भी चीज आपको यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो हाईवे मटेरियल की जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिक, वो नहीं फंसेंगे। गेट की बात करूं मैं यहाँ पे, ईएस में तो बहुत थ्योरी चीज आती है, बहुत थ्योरिटिकल पार्ट आता है, ठीक है? गेट में आपका ओवरले डिजाइन कहाँ आता है यार, गेट की बात करूं मैं। मार्शल मिक्स बहुत शानदार, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेसिकली आप बिल्कुल सही सेशन में आए हैं, क्योंकि आज हम आपके जितने भी ये वाले कॉन्सेप्ट में डाउट्स हैं, दैट आई विल बी क्लियरिंग। शेयर कर दिया है फुल पावर से, लाइक का बटन धुआंधार तरीके से दबा दीजिए, क्योंकि लेट्स क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी को जो मुझे आज पहली बार देख रहे हैं। सो गाइज, माई नेम इज जोशित सिंह, आई हैव 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, आई एम एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की, गेट मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाइड एंड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ट्रांसपोर्टेशन, फूड मैकेनिक्स, इरीगेशन एंड एनवायरमेंट। दोस्त, वैसे तो ये जब तक सेशन खत्म होगा तब तक ये ऑफर भी खत्म हो चुका होगा, रात 12 बजे तक 45% ऑफ आपको मिल रहा था ग्रेड अप सुपर पे, आई होप आपने ले लिया होगा, नेचर 45 कोड था, ठीक है? इसी के साथ लेट मी टेल यू अबाउट द इंग्लिश बैच, लास्ट बैच एनरोलमेंट हैज बीन स्टार्टेड। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी बैच शुरू हो चुका है, बैच 2 है ये, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड विजन 23, यानी कि जो लोग 2 साल की तैयारी के मूड में है, वो लोग के साथ आप शुरू कर दीजिएगा तैयारी अपना इस बैच के साथ, ठीक है? प्रारंभ सीरीज में आपका सेशन हो चुका है, ये वाला सेशन सबने देखा, एक बार हार्ट साइन बना के भेज दीजिए प्लीज, फुल पावर के साथ एवरीबॉडी क्विकली एक बार हार्ट साइन बना के भेज दीजिए अगर आपने ये वाला सेशन देख लिया था तो, फटाफट से। और इसके बाद आपने अभिनव सर को देखा होगा, एंड देन अंकित सर वाला सेशन, एंड देन कल इम्पल्स सर्वाइन, नहीं आई थिंक दूसरा कुछ सेशन हुआ था, राइट? लेकिन हाँ, आज हम यहाँ पे हैं और कल फिर से अभिनव सर आप सभी के सामने होंगे बेंडिंग स्ट्रेस के साथ, मजा बहुत आएगा। आज छोटा भाई तो कल बड़ा भाई, ठीक है, हम आते जाते रहेंगे, आपने टेंशन लेनी नहीं है। अब शुरू करते हैं सेशन फटाफट से, कोई भी लाइक का बटन मत दबाओ, कोई शेयर का बटन मत दबाओ, बस सुनिए, ध्यान से सुनिए, सवाल पूछिए, कॉन्सेप्ट जो सीखने आए वो सीखिए और फटाक से जाके सो जाइए। कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा बेसिक से, उसके बाद आपको फाइनली आप जाके मैं आपको मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा, काम अपना फुल पावर से बन जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं, देखो कभी भी जैसे आप मान लो आप कॉन्क्रीट का भी मिक्स बनाते हो, अलग अलग चीजें होती नहीं होती है, सीमेंट होता है, कोर्स एग्रीगेट होती है, फाइन एग्रीगेट होती है, बहुत सारी चीजें होती है कॉन्क्रीट मिक्स के अंदर, उसी तरह से मुझे बिटुमिन का भी मिक्स बनाना होता है। आपने देखा है बिटुमिन का मिक्स कभी कभी रोड पे बिटुमिन डलते हुए देखी है आप लोगों ने? शुभम सर का न्यूज क्या भाई, शुभम सर आ जाएंगे अब तो, बहुत जल्द आने वाले हैं, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। अगर आप बार बार लिखेंगे मैं ऐसा ब्लॉक मारूंगा कि भाई साहब किसी चैनल पे आप आ नहीं पाएंगे, चाहे शुभम सर आ जाए चाहे कोई आए ना आए, ठीक है? कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई हरकत नहीं करेगा। आप सीखो फुल पावर से, 100 बार डाउट पूछना, 100 बार बताऊंगा, ठीक है? बट ये सारे काम नहीं चलेंगे यहाँ पे। हाँ जी सर, तो इसी प्रकार से आप मुझे बताइए फटाफट से, किस किस ने कभी भी देखा है कि बिटुमिन को पड़ते हुए रोड पे, तो आपने देखा होगा कि एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर बिटुमिन भी होती है, कुछ एग्रीगेट भी नजर आ रहे होते हैं, कुछ फाइन एग्रीगेट भी होते हैं और कुछ फिलर फिलर भी होता है, राइट? उसको डिजाइन करना हमें, और वो करते हैं हम कैसे, अलग अलग मेथड है साहब। एक होता है आपका मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट, दूसरा होता है वीम स्टेबिलियोमीटर, तीसरा होता है हुबार्ड फील्ड और चौथा होता है सुपर पेवमेंट। बट हमारे लिए जो सबसे जरूरी है और जो एकमात्र सर्वोच्च इनमें से मेथड है, दैट इज आपको पता है मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट, और उसको हम लोग समझ लेंगे फुल पावर के साथ।
देखिए, मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट में किया क्या जाता है, आराम से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, मार्शल मिक्स डिजाइन के अंदर सबसे पहले आप एक कोर, एक स्पेसिमेन तैयार करते हैं। अब ये स्पेसिमेन तैयार करना कैसे, आप देखो, आप एग्रीगेट लीजिए, आप फाइन एग्रीगेट ले लीजिए प्रोपोर्शन के अंदर अपना, आप फिलर लीजिए, अब बिटुमिन देखना है कितना सही रहेगा, कितनी मात्रा में बेहतरीन रहेगा। ठीक है, कितनी बेहतरीन, कितनी मात्रा में ये बेहतरीन रहेगा, ये आपने देखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले एक स्पेसिमेन बनाएंगे जिसमें 4.5% का बिटुमिन डालेंगे, दूसरा 5% और तीसरे स्पेसिमेन में 5.5 और चौथे में 6%। इस तरह से आप अलग अलग परसेंटेज, ये परसेंटेज कैसे है, बाय वेट, टोटल आपका जो वेट है कोर का उसका परसेंटेज बाय वेट आप ले रहे हो, एग्रीगेट का बाय वेट परसेंटेज आप ले रहे हो यहाँ पे बिटुमिन के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम टेस्ट कैरी आउट करेंगे, जिस टेस्ट को आप जानते हैं मार्शल टेस्ट के नाम से, है ना, यही आप जानने आए थे कि भाई मार्शल ऐसा क्या कर देता है ना। तो दोस्त बेसिकली इसमें होता कुछ नहीं है, आप जो कोर है स्पेसिमेन का वो यहाँ प्लेस करते हैं, ये जो मशीन है ये अप्लाई करती है इसके ऊपर एक पर्टिकुलर लोड। ठीक है, इस पे एक लोड दिया जाता है, कितना दिया जाता है साहब, 50.8 mm पर मिनट दिया जाता है एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहां पे दो टर्म है जो आपको मैं समझाता हूं, फिर उसके बाद अपन फेज डायग्राम देखेंगे पूरे मिक्सचर का। पहला तो मार्शल स्टेबिलिटी समझ लेते हैं, व्हाट इज मार्शल स्टेबिलिटी, आपको इसमें हो सकता है डाउट होगा। तो मार्शल स्टेबिलिटी एक ऐसा मैक्सिमम लोड होता है दैट इज बीइंग सस्टेन्ड बाय द बिटुमिनस मटेरियल एट अ लोडिंग रेट ऑफ 50.8 mm। होता क्या, देखो आप इसके ऊपर लोड लगाते हैं, ठीक है, आप लोड लगाते 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 क्या होता है, हाँ भाई इसका जो डिफॉर्मेशन, इसका जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो आपको इस नीडल में दिखती रहती है। ठीक है, यहां पे दिखती रहती है, दिखती रहती है, दिखती रहती है, और एकदम से ये वापस घूम के आ जाती है। वो जो एकदम से वापस घूम के जो आई ना, जो जहां तक ये टच किया वो लोड क्या है, वो मैक्सिमम लोड जो ये मिक्स ले सकता है वही मार्शल स्टेबिलिटी है, उसी को ही मार्शल स्टेबिलिटी बोलते हैं। कभी भी मार्शल स्टेबिलिटी नंबर आपकी आंखों के सामने आ जाए आप समझ लेना लोड की बात की जा रही है यहां पे। कौन सा लोड, वो मैक्सिमम लोड जो आपका बिटुमिन का स्पेसिमेन कैरी कर सकता था। ठीक है सर, अब उस लोड के अंतर्गत कितना डिफ्लेक्शन या कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है स्पेसिमेन के अंदर, आप समझ रहे होंगे कि भाई ये जो कोर है ये पिचका होगा, जब इस पर लोड लगा होगा तो ये पिचका होगा, तो ये कितना डिफॉर्म हुआ है अंडर मैक्सिमम लोड, दैट इज मार्शल स्टेबिलिटी, उसको आप बोलते हो फ्लो वैल्यू। ये दो जो कॉन्सेप्ट है ये आपको एकदम दिल को छुए तो एक बार हार्ट साइन भेज दीजिए मुझे, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट दिल को छू गए तो हार्ट साइन भेज दीजिए। इसके बाद मैं आपको फटाफट से बताता हूं इनका जो फेज डायग्राम होता है वो, और हम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देख लेंगे अभी के अभी। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें एक है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो भी थ्योरिटिकल वाली। ये थ्योरिटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से अलग क्यों होती है, वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो, उसको भी हम समझेंगे। तो देखो यहां पे आपके पास हो जाएगा, देखिए भाई, कोर्स अग्रीगेट, आपके पास हो जाएंगे फाइन अग्रीगेट, आपके पास हो जाएंगे यहाँ पे फिलर, आपके पास हो जाएगा इसी के अंदर बिटुमिन, बाकी बचे में हवा रहेगी, है ना भाई, हवा भी तो जरूरी है, हवा भी आएगी। ठीक है, जिन बच्चों ने स्पेसिफिकली बोला था कि उनको प्रॉब्लम होती है मार्शल मिक्स वाले उसमें टॉपिक में, तो आप लोग आराम से देखो, सवाल आएगा पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे एयर हो गई। अब जैसा आप जानते हो फेज डायग्राम के राइट हैंड साइड पे आप वेट लिख लेते हो, सभी का वेट लिख लेना, W1, W2, W3, ये मेरी पिक्चर का हीरो है बिटुमिन, तो मैं इसका नाम ना स्पेशल नाम रखूंगा, मैं इसको WB बोल देता हूँ, W4 नहीं रख रहा, थोड़ा इज्जत देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो WA हो गया आपका एयर का वेट, तो दैट इज जीरो ओनली, हम जीरो मान रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी चीज की बात चल रही है कि ये जीरो है। मुझे ये मत बोलना, अरे सर हमने पढ़ा था स्कूल में वो ऐसा गुब्बारे के अंदर हवा भर के नापते थे, तो थी मास, तो थी एयर में, होगी अच्छी बात है, अभी नहीं लेना। ठीक है, बाकी ये होगी सर आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V2, वॉल्यूम V3, वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, अब कोई भी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर आप बात करो यार यहाँ पे, तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने अगर निकालना है, ठीक है, तो भाई क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, होता है आपका कोई भी जो मिक्सचर है उसका यूनिट वेट ले लीजिए, कोई भी जो मिक्सचर है उसका यूनिट वेट ले लीजिए, यूनिट वेट ऑफ मिक्सचर, और उसको डिवाइड कर दो एक स्टैंडर्ड फ्लूड के मिक्सचर से। अब यहां पे फ्लूड जो है मेरा वो लिक्विड है, तो मेरा स्टैंडर्ड फ्लूड क्या होना चाहिए आप बता दीजिए। अगर ये गैस होता तो मेरा स्टैंडर्ड फ्लूड एयर होता, बट ये लिक्विड है तो मेरा स्टैंडर्ड फ्लूड क्या होगा, क्या एयर ले लूं, क्या एयर ले लूं, एयर लूंगा तो मजा नहीं आएगा,
ठीक है, ये लिक्विड है, कभी भी लिक्विड के कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो आपको हमेशा यूनिट वेट ऑफ वाटर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? यूनिट वेट ऑफ वाटर लेना पड़ेगा। ठीक है सर, अब ये भी आप जानते हो कि भाई यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, यूनिट वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, सबको पता है। मास डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। वेट डेंसिटी होती है वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। मेरे को वेट अपॉन वॉल्यूम लेना है यहाँ पे। देखो टोटल वेट क्या है सर, टोटल वेट हो जाएगा सर मेरा डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू, डब्ल्यू थ्री, डब्ल्यू बी, इज्जतदार आदमी, डब्ल्यू बी भी है, डब्ल्यू ए लेने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ले लो। अब एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे जो मैं कर रहा हूं उसको आप बताना नोटिस कर पाए कि नहीं, कुछ है जो गड़बड़ घोटाला यहाँ पे मैंने कर दिया, अब आप मुझे बताओ वो क्या है, फटाफट से बता दीजिए। वॉल्यूम को ध्यान से देख करके आप बताओगे, आप खुद आंसर बताएंगे एंड देन आई विल टेल यू कि ऐसा क्यों किया था मैंने। कुछ तो है यहां पे जो नॉर्मल से हटके कर दिया, बता दीजिए क्विकली। हमने वॉल्यूम ऑफ एयर कंसिडर ही नहीं किया, हम ये बोल रहे हैं कि हमारे मिक्सचर के अंदर वॉल्यूम एयर है ही नहीं, हमने बोला कि हम वॉल्यूम ऑफ एयर ले नहीं रहे। आपको पता है अगर कोई एक नॉर्मल मिट्टी आप उठा लोगे जमीन से और उसमें एक भी वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं है, थोड़ा सा भी वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं है, मतलब एयर ही नहीं है, वो भाई साहब स्टील बन जाएगी, वो एक मेटल की तरह काम करेगी, समझे आप? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और जो चीज हो नहीं सकती वो प्रैक्टिकल नहीं होती, उसको हम थ्योरेटिकल बोलते हैं। और यही वजह है कि इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी बुलाता हूं। दिल को छू गया, हार्ट साइन बना दीजिए और फटाक से लाइक का बटन, फटाक से लाइक का बटन। बिल्कुल अभिषेक ने सही कहा है, एयर को भाव नहीं देता मैं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, इसीलिए यह थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल नहीं। अब यहां पे ध्यान से देख लेते हैं, तो वेट अपॉन वॉल्यूम है। अब इसके बाद देखो दुनियादारी की चीजें करके फाइनल जो आपका जीटी वैल्यू आती है वो आती है क्या, 100 अपॉन वेट परसेंटेज, जो भी आपका परसेंटेज वेट है, अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर, जैसे यहां पे कोर्स अग्रीगेट हो गया, डब्ल्यू टू परसेंट बाय जी टू, डब्ल्यू थ्री परसेंट बाय जी थ्री, डब्ल्यू बी परसेंट बाय जी बी, एश, जीटी डन, खत्म, जीटी का काम ओवर। ठीक है, जीटी हो गया आपका थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, सही है। अब अगर मुझे कभी ये निकालना हो कि इसमें कितने एयर वॉइड्स हैं, परसेंट वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स अगर निकालने हैं, कितना मुश्किल है यार, मुझे तो नहीं लगता ये ज्यादा मुश्किल है। क्यों ज्यादा मुश्किल नहीं है? अगर मेरे को टोटल वॉल्यूम पता है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ एयर मैं जानता हूं वी ए, इनटू 100 कर दिया, लो यार परसेंटेज ऐसी तो आता है ना, खत्म। लेकिन एक और तरीका है जिससे हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, परसेंट वॉल्यूम ऑफ एयर, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसके लिए हमें जानना पड़ेगा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, सेट ब्रो फुल पावर, शेयर शुरू नहीं करना, कर दो भाई, 11 बज रहा है, बच्चा भी याद रखेगा जिसको शेयर करोगे, क्या शेयर किया था, समझे, क्या शेयर किया था, राइट। तो आपको जो जी एम, अब मैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को एम से करूंगा, और ये एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपके मटेरियल की, आपके मिक्स की, ठीक है सर। तो यहां पे जब हम बात करते हैं अपने परसेंट वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स की सर, तो आप निकाल सकते हो इसको जीटी माइनस जीएम ओवर जीटी इनटू 100, ये हो गया आपका दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हो गया आपका दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दो बताया अभी तक मैं, एक जीटी का बताया और एक एयर वॉइड का बता दिया, ठीक है, ये दो जान लिया आपने, बढ़िया। अब संदेह किस किस को है कि सर VMA क्या होता है, VMA भी तो कुछ होता है ना, किसी का दिमाग में डाउट आया सर VMA भी तो होता है सर, कहीं तो पढ़ा था सर, कहां पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं तो देखा था, बताओ जरा कहां पढ़ लिया भाई, हां जी है ना। तो VMA के बारे में बात करते हैं, VMA के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर हमें एक चीज और निकालनी हो कि यार ये बताओ कितने परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन है, इसको भी जान लेते हैं। जीटी थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, जीएम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, थ्योरेटिकल मतलब ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली नहीं है क्योंकि हम एयर वॉइड कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है रवनीत। और जीएम एक्चुअल, एक्चुअल जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको हम बोल रहे हैं पूरे मिक्स की, ठीक है। तो परसेंट वी भी अगर कभी भी निकालना हो तो ये हो जाएगा आपका जीएम बाय जीबी इंटू, अगर परसेंटेज में लिख रहे हो तो डब्ल्यू बी लिख लीजिएगा, अगर आप परसेंटेज में ना लिख रहे हैं तो आप भाई वेट ऑफ बिटुमिन अपॉन टोटल वेट लिख लेना इंटू 100, तो ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज ही बन गया, ठीक है। अब उसके लिए VMA को समझने के लिए मैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम लेके आया हूं, उसको देख के समझते हैं, ठीक है।
अपने पास क्या है, ये हो गया एक पूरा का पूरा मिक्सचर। इस मिक्सचर में आपको चार चीजें मैं दिखाता हूं, एग्रीगेट, वीएमए, असफाल्ट दैट इज बाइंडर दैट इज बिटुमिन इन आर केस, एंड एयर वॉइड। ये चार चीजें हम यहां से देख सकते हैं, ठीक है। अभी इस वॉल्यूम डायग्राम में आपको केवल एग्रीगेट नजर आ रही है, एंड इफ यू सी दिस कोर फ्रॉम टॉप, तो जहां जहां ग्रे ग्रे कलर का दिख रहा है दैट इज योर एग्रीगेट पार्ट। चमका एकदम इधर, दिल को छू के निकला, ठीक है। दूसरी बात, ये वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट क्या है, इसको देखते हैं। इसके लिए मैं एक बहुत ही एक निंजा टेक्निक बनाया हूं, आप लोग को काफी लोगों को बताया भी हूं, जिसको नहीं पता वो देख लो, वी एम ए क्या होता है, वी एम ए क्या होता है। उसके लिए हम ये होटल वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। एक होटल वाला कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई होटल था हमारे पास, उसके अंदर कितने कमरे थे, 20 कमरे। एक होटल है मेरे पास, उसके अंदर है कितने, 20 कमरे। हर रूम में एक गेस्ट रहेगा, कंडीशन है हर रूम में एक गेस्ट रहेगा। कल मान लेते हैं कि 15 गेस्ट आ जाते हैं, 15 गेस्ट आ जाते हैं। नाउ आउट ऑफ 20 रूम्स 15 में गेस्ट हैं, यानी कि वो ऑक्यूपाइड है, और आपके बचे हुए 5 वेकेंट हैं। अग्री करते हैं तो एक बार हार्ट साइन फटाक से एकदम क्विकली, एवरीबॉडी फुल पावर। 20 में से 15 में गेस्ट आ गए, 5 कमरे वेकेंट है, 15 में गेस्ट है। अब यहां पे जो ये कमरे हैं, पहले तो ये जानो ये होटल क्या है। होटल है मेरा पूरा का पूरा वो मिक्सचर, किसका, एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर का जो मिक्सचर है ना, उसको मैं बोला हूं होटल है। उसके अंदर जो वॉइड है ना, वो मेरे कमरे हैं। जो पूरा का पूरा कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर का पूरा मिक्सचर है वो एक होटल है। उसके अंदर जो वॉइड्स हैं वो मेरे रूम हैं। जब मैं बिटुमिन डालता हूं तो उसमें कौन रहने आया, गेस्ट। मेरा गेस्ट कौन है, बड़े साहब। बड़े साहब कौन, बिटुमिन। मेरा जो मिक्स है वो मेरा होटल है। उसके अंदर जो वॉइड है वो रूम है। उन रूम में कौन रहने आता है, बिटुमिन रहने आता है। गेटिंग इट, बिटुमिन रहने आता है। और बाकी जो वॉइड्स बच गए उनमें कौन रहता है, कोई नहीं रहता, हवा रहती है। होटलों में हवा ही रहती है अगर कोई नहीं रहता होता है रूम में तो, ठीक है सर। अब इसको हम यहीं पे जोड़ देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को इधर ही जोड़ देते हैं कि भाई हमारे होटल में रूम थे 20, 20 में से 15 में थे गेस्ट, जो कि हो गया ऑक्यूपाइड, बाकी बचे 5 वो था वेकेंट। इसी प्रकार से जो हमारा टोटल वॉइड्स होते हैं किसी मिक्स के अंदर वो होता है वी एम ए। टोटल वॉइड जो होता है वो होता है वी एम ए। अगर मैं यहां पे बोलता हूं 20 रूम्स है मेरे पास, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना यार, 20 रूम्स मीन्स 15 जिसमें गेस्ट है और 5 जो खाली है। उसी प्रकार से वी एम ए क्या होगा, वो वाला हिस्सा, वो वाले वॉइड जिनके अंदर बिटुमिन है, प्लस वो वाले जो खाली है। सही बात है कि नहीं है, जितने भी टोटल वॉइड्स थे अब उनमें या तो बिटुमिन है या हवा है और तो कुछ नहीं है। सही बात। तो ये होता है वी एम ए। चमका अगर तो फटाक से हार्ट साइन और फट करके एकदम लाइक का बटन। डाउट है तो डाउट पूछेंगे। कैसे आप सुरेश जी, हाय हाय है, नमस्ते, कैसे दोस्त, सॉरी मैं देख नहीं पाया आपका कॉमेंट, ठीक है। तो वी एम ए हो गया आपका कि टोटल कितने वॉइड्स हैं मिनरल एग्रीगेट में, बेसिकली। तो टोटल कितने हैं, एक तो वो जिसमें बिटुमिन रह रही है और अब वो जो खाली बचे हुए हैं, ठीक है। क्लास ज्यादा लंबी नहीं है, ये चलेगी तो 12 बजे तक। बस 12 बजे किसी का हैप्पी बर्थडे होगा, उसको विश करके मैं निकल लूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होती है, दैट इज वी एफ बी। इसके बारे में भी आप सभी ने सुना होगा कभी ना कभी, भी चलते फिरते, है ना। वी एफ बी के बारे में भी सुन लिया होगा। ये वी एफ बी क्या होता है, अगर मैं इसको होटल वाले एग्जाम्पल से समझाऊं ना, तो वी एफ बी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये है परसेंटेज ऑफ रूम्स फिल्ड विद गेस्ट। परसेंटेज ऑफ रूम्स फिल्ड विद गेस्ट, अगर मैं एग्जाम्पल से बताऊं किसके, होटल वाले। जैसे कि क्या हो जाएगा, देखो साहब कितने रूम में गेस्ट हैं, 15। टोटल रूम कितने हैं साहब, 20। क्या मैं कह नहीं सकता कि ये है हमारे परसेंटेज ऑफ रूम्स जिसमें गेस्ट है, बताइए।
क्या मैं कह नहीं सक भाई, डिस्टर्ब सैंपल ही कहाँ, सॉइल नहीं चल रहा है, ये बिटुमिनस मिक्सचर की बात हो रही है, डिस्टर्बेंस का कोई इसमें सीन नहीं है। ठीक है, पांच इसमें कोर बनाए जाएंगे अलग अलग वॉइड्स परसेंट। आप शायद लेट ज्वाइन किए थे, आप स्टार्टिंग में देखिएगा आप समझ जाएंगे। तो 15/20 × 100 में कर दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, मैंने निकाल लिया परसेंट और परसेंटेज ऑफ रूम्स फिल्ड विथ गेस्ट। इसी प्रकार से हम इसको बिटुमिन वाले एग्जाम्पल से भी जोड़ देंगे कि भाई बिटुमिन जितने वॉइड्स में है डिवाइड बाय टोटल वॉइड्स, टोटल वॉइड्स कितने हैं बिटुमिन वाला और खाली वाला, यानी कि VB परसेंट अपॉन VMA। खत्म कहानी, पैसा हजम, ये फाइनल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको लिख देता हूं एक पेज पे, समझ आया, दिल को छू गया, आसान बन गया तो बोलो। जिस जिसको शुरुआत में बोला था डाउट है अभी बोलो डाउट है तो, ठीक है। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है अपन फिर समझेंगे, जो डाउट हो वो पूछेगा सिर्फ। ठीक है, मैं क्या बताने लग रहा था आपको, कुछ तो पूछा था किसी ने, हाँ VMA कोई पूछ रहा था। VMA होता है आपके वॉइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट, वॉइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट। ठीक है, सही है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम और उसके थ्रू कर लेंगे। पहले उससे पहले मैं काम करूं, आपके लिए सारे फॉर्मूले लिख दूं एक पेज पे, आप चाहो आप मेरे साथ भी लिख सकते हो, नहीं तो ये PDF मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो देखो कुछ फॉर्मुलेज हैं जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके काम आ जाएंगे। GT जो होता है आपका, दैट इज 100 अपॉन, ये 100 तभी लिखना जब परसेंटेज के टर्म्स में डाल रहे हो वेट को। तो W1 अपॉन G1, ये W1 परसेंटेज है, ठीक है, W2 परसेंटेज है, G2, W3 लिख ही देता हूं मैं, G3 और आपका WB GB, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन विच यू आर हैविंग दी एयर ओनली, तो ये हो जाता है VA, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विद एयर, टोटल वॉल्यूम, एक सेकेंड, टोटल वॉल्यूम × 100। या फिर इसको और दोबारा से निकालना चाहते हो तो इट विल बी GT − GM / GT × 100। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस VMA क्या होता है, VMA होता है आपका VB परसेंट प्लस VA परसेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस वी एफ बी निकालना चाहते हो तो वी एफ बी हो जाता है आपका वी एम ए। अभी एक और इंपॉर्टेंट तगड़ा कॉन्सेप्ट बचा है, बहुत आसान है वो, बहुत आसान है वो कॉन्सेप्ट, ग्राफ समझने हैं हमें। क्या पांच ग्राफ हैं, बहुत आसान तरीके से समझने हैं, कोई जरूरत नहीं उन्हें रटने की। ठीक है, रटने के लिए मैं आया ही नहीं यहाँ पे, रटाने के लिए नहीं आया। ठीक है, पांच ग्राफ जो है वो समझ लेते हैं, इनकी क्या जरूरत है उन ग्राफ्स की वो हम जानेंगे। ठीक है, ये जो टेस्ट कैरी आउट करते हैं हम, इनकी मदद से कुछ चीजें हैं जो फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम द टेस्ट रिजल्ट्स, रिलेशनशिप बिटवीन द मार्शल स्टेबिलिटी, फ्लो वैल्यू, बल्क डेंसिटी, एयर वॉइड्स, वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन, ये सारी चीजों का हम रिलेशन निकालते हैं विद वेरिंग परसेंटेज ऑफ बाइंडर कॉन्टेंट। जैसे कि एग्जाम्पल यहां पे ले लो, अगर मैं देखता हूं कि क्या वेरिएशन है हमारे मार्शल स्टेबिलिटी में। अब मुझे ये बता दो, मार्शल स्टेबिलिटी आपको चमक गया था जब मैं समझाया था, फुल पावर टच किया था, नहीं टच किया था दिल को आपके। मार्शल स्टेबिलिटी आपका वो मैक्सिमम लोड होता है जो कोई भी एक मिक्सचर आपका कंसिडर या कैरी कर सकता है कभी भी। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे बिटुमिन। अब मैं जैसे जैसे बिटुमिन का कंटेंट बढ़ाता जाता हूं मिक्सचर के अंदर, वैसे वैसे उसकी मैक्सिमम लोड लेने की क्षमता भी बढ़ती जाती है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट तक, उसके बाद वो फॉल डाउन कर जाती है। ये हो गया ग्राफ नंबर वन। जैसे जैसे बिटुमिन बढ़ा रहे हो आप, आपका मार्शल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मार्शल स्टेबिलिटी नंबर बढ़ रही है, यानी कि मैक्सिमम लोड बढ़ रहा है और फिर एक पॉइंट के बाद गिर जाता है। दूसरा ग्राफ हम समझेंगे फ्लो वैल्यू। फ्लो वैल्यू आप समझ गए थे सभी लोग, फ्लो वैल्यू क्या था सर, ये वो डिफॉर्मेशन होती है जो मैक्सिमम लोड के अंडर आई होती है। जो भी डिफॉर्मेशन आपके बिटुमिनस मिक्सचर में आई है अंडर द मैक्सिमम लोड, उसको आप बोलते हैं फ्लो वैल्यू। अब इसको ध्यान से समझिए, जैसे जैसे आप बिटुमिन का कंटेंट बढ़ाएंगे, जितना आप बिटुमिन ज्यादा डालते रहेंगे, ज्यादा डालते रहेंगे, वैसे वैसे फ्लो वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, डिफॉर्मेशन ज्यादा होगी। आप समझ भी सकते हो इस चीज को, देखो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर, ये सब है मजबूत चीज, मजबूत बोले तो हार्ड चीज है सारी, बट बिटुमिन एक ऐसी चीज है जो इस मिक्सचर को थोड़ा सा सॉफ्ट बना रहा है। फील किया? गुड इवनिंग, हाय हल्दर, कैसे हैं आप? फटाफट से एकदम लाइक कर दीजिएगा सेशन को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड शेयर करना अगर मजा आ रहा है सेशन में तो। ठीक है, अब आप फील कर रहे होगे कि जैसे बिटुमिन ऐड होगा वो थोड़ा और
स्क्विशी होने लगेगा, स्क्विशी थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है, बट होने लगेगा, सॉफ्ट सा होने लगेगा, ठीक है। इस कारण से आपका जो डिफॉर्मेशन है वो ज्यादा होगा मैक्सिमम लोड के अंडर में, जितना बिटुमेन बढ़ाओगे उतना होता रहेगा। इसके बाद आता है आपका बल्क डेंसिटी, जिसको आप बोले, ये सर बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं आपका जो सॉइल कॉम्पैक्शन वाला कर्व है, बिल्कुल उसी तरह से है, या आप कह सकते हो मार्शल स्टेबिलिटी से मिलता जुलता कर्व है। बस इतना याद रखना है आपको, यूनिट वेट का ग्राफ जो होगा आपका, इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस, ओनली फर्स्ट इट विल इंक्रीज एज पर द बिटुमेन इंक्रीज एंड देन इट विल फर्दर डिक्रीज। अब ये वाला आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है, दिस रिलेशन इज इन बिटवीन द वॉइड्स फिल्ड विद एयर एंड परसेंटेज बिटुमेन। मतलब ये पूछ रहे हैं आपसे, जैसे जैसे गेस्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे वेकेंट कमरों की गिनती कम होगी या ज्यादा होगी, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, कमेंट बॉक्स में बता दो यार। ये तो मतलब क्या बच्चे वाला क्वेश्चन पूछ लिया सर आपने, बताइए क्विकली एवरीबॉडी। जैसे जैसे हमारा वॉइड्स के अंदर बिटुमेन की अमाउंट बढ़ेगी वैसे वैसे खाली कमरे कम होंगे या बढ़ेंगे? यही सिखाने आया था मैं, शानदार, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, जैसे जैसे गेस्ट आते जाएंगे वैसे वैसे खाली कमरों की गिनती कम होती रहेगी, दैट मींस जैसे जैसे बिटुमिन आता रहेगा तो वो वाले वॉइड जिनमें एयर है उसमें भी बिटुमिन आने लगेगी, तो गिनती कम होने लगेगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जिनमें एयर है। आखिरी ग्राफ भी आप ही बता दो, जैसे जैसे बिटुमिन डालते रहोगे आप, ऐड करते रहोगे, वैसे वैसे आपका जो वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन है यानी कि वो कमरे जिनमें गेस्ट हैं वो बढ़ेंगे या कम होंगे जैसे जैसे गेस्ट आए जा रहे हैं। और आ गए, एक और आ गया, एक और आ गया, 15 थे, 16 आ गया, 17 आ गया, तो जिनके अंदर वो रूम जिनके अंदर गेस्ट हैं वो बढ़ेंगे या कम होंगे? दे विल डेफिनेटली इंक्रीज, ठीक है। तो ये पांच ग्राफ हैं जो आपको याद रखना है, अब आप बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे। अब इन ग्राफ का करना क्या है, केवल एग्जाम निकालना है? नहीं, केवल एग्जाम नहीं निकालना, मैं बताता हूं आपको, इन पांचों ग्राफ की मदद से निकालना पड़ेगा सबसे ऑप्टिमम ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट, ओ बी सी, ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट की वैल्यू चाहिए आपको। अब इन ग्राफ की मदद से हम कैसे निकाल सकते हैं ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट? बहुत आसान है, एवरेज लेना है तीन वैल्यूज का। कौन सी है वो तीन वैल्यूज? एक तो वो आपने बिटुमिन परसेंटेज लेनी है जिस पर आपको मैक्सिमम मार्शल स्टेबिलिटी मिला है। आप देख सकते हो ग्राफ से, क्या मैं अगर ये ग्राफ आपको दूंगा आप मुझे बता पाओगे कि सर हां जी इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बिटुमिन मिल रहा है मुझे? हम भी बता सकते हैं कि भाई ये है हमारी वो वैल्यू मैक्सिमम मार्शल स्टेबिलिटी और इसके करस्पॉन्डिंग जो बिटुमिन है उसकी वैल्यू ले लूंगा मैं, से फॉर एग्जाम्पल दैट कम्स टू बी B1%। सिमिलरली यूनिट वेट की भी मैक्सिमम वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग ले लूंगा मैं बिटुमिन की, मान लीजिए B2 हो जाएगी ये। सिमिलरली जो आपके ये वॉइड है ना फिल्ड विद एयर, 4% ले लो यहां से, इस पे होगा ना 0 होगा, फिर 1 होगा, ये 2 होगा, फिर 3 होगा, ये 4% जो है 4% के करस्पॉन्डिंग जो आपको बिटुमिन परसेंटेज मिलता है इसको B3% बोल दूंगा मैं, इन तीन वैल्यू का एवरेज, B1% प्लस B2% प्लस B3% बाय थ्री, ये आपको दे देता है सर ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। और यही है वो जवाब जिसका सवाल आप लेकर के घूम रहे थे। मजा आया, समझ आया? क्वेश्चन कर लें फटाफट से, एक दो क्वेश्चन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट अपना फटाक से करके इंप्लीमेंट कैसे करना है वो भी देख लेंगे, ठीक है सर? चलो अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, लाइक बटन दबा चुके हो और हार्ट साइन वार्ट साइन भेज दो फटाक से, अभी सवाल लगाते हैं पूरी। जो भी चीज मैं बोला उसमें कहीं डाउट आया हो आप डाउट पूछ लीजिएगा, एंड आई होप कि जो इंफॉर्मेशन आप लेकर के आए थे अबाउट दिस हाइव मटेरियल कॉन्सेप्ट, अब आप थोड़ा और ज्यादा ही उससे लेकर के जा रहे होंगे, ठीक है। किधर है क्वेश्चन? क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, हाँ जी सर, पहला सवाल ये है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसान अब हो गया है क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट आता है। देखते क्या कहा जा रहा है भाई, इन अ मार्शल मिक्स्ड डिजाइन, हमें पता है क्या होता है मार्शल मिक्स डिजाइन, तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर एंड थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट आर गिवन टू अस। हम लोगों को दोनों की दोनों वैल्यूज दी गई हैं, जीटी और जीएम दोनों दिया गया है। आगे की कहानी, द सैंपल इंक्लूड्स 5% ऑफ बिटुमिन, बिटुमिन का वेट दिया गया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी गई है।
ये एक एमएसक्यू क्वेश्चन है जो गेट में आपका आता है, एमएसक्यू उसी फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन है। तो आपको दो चीजें बेसिकली यहां पे जो है निकाल के दिखानी पड़ेंगी, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ वी एम ए एंड वी एफ डी। दोनों ही आसान चीजें हैं। देखिए अभी अभी मैं आपको बताया था वी एम ए होता है आपका वी बी का परसेंट प्लस वी ए का परसेंट, और वी एफ बी जो होता है आपका दैट इज वी बी का परसेंट अपॉन वी एम ए। सिंपल इज दैट। बेसिकली आपको ये दो चीजें निकालनी है। तो सर वी ए परसेंट के लिए क्या मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला बताया है जिसमें जी टी और जीएम निकाल लगा करके हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आई मीन वैल्यू निकाल सकते हैं? मेरे को याद आ रहा है मैंने कुछ तो बोला था जैसे कि ऐसा कुछ जी टी माइनस जीएम ओवर जी टी इंटू 100 करके कुछ तो वैल्यू बोली थी मैंने। इसी में पुट करेंगे अपन ये दोनों की दोनों वैल्यूज, 2.546 माइनस 2.324 डिवाइडेड बाय 2.546 इंटू 100 करना ना भूलिएगा। कितना आ गया सर? मैं कैलकुलेट कर लेता हूं आपकी तरफ से, आप ही कीजिए अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। 2.546 माइनस 2.324 डिवाइड बाय 2.546, सर ये आना चाहिए हमारा 8.71 समथिंग समथिंग आ रहा है मेरा तो यार। आपका कितना आ रहा है? 8.719 है, 8.72% कर लेते हैं, क्या हो गया है ना। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड ग्रीष्मा। अच्छा ये आ गया वीए सर, वीबी निकाल सकते हैं क्या अपन? वीबी निकल जाएगा, वीबी बड़ा आसान है यहाँ तो। वीबी के लिए भी मैंने कोई जुगाड़ बताई थी आपको, जुगाड़ तो नहीं मतलब सही चीज बताई थी। वीबी परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना था, वीबी निकालने के लिए सर आपको करना था जीएम बाय जीबी इंटू, अगर परसेंटेज है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो परसेंटेज दिया हुआ है तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जीएम बाय जीबी, जीएम कितना है मेरे पास, इट वॉज 2.324 और बिटुमिन का है 1.1, परसेंटेज है 5। सर इसका आप अगर वैल्यू निकालते हैं वीबी का तो आपका आना चाहिए 2.324 इंटू 5। हम देखो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इसलिए लेते हैं क्योंकि वो ओरिजिनल वैल्यू है, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। सर ये आ रहा है 10.56%, 10.56%। और एयर का कितना आया था, एयर का आया था 8 समथिंग ना, 8.72 आया था। सवाल यहीं पे खत्म हो चुका है, आप सभी को पता है वी एम ए की वैल्यू आप बता सकते हैं, इट वुड बी 8.72% प्लस 10.56%, एंड हाउ मच इज दिस, देखो 19 के आसपास कुछ तो आ रहा होगा। तो वी एम ए आ चुका है ए ऑप्शन। अब वी एफ बी निकालेंगे तो वी एफ बी हो जाएगा सर आपका बिटुमिन, दैट इज 10.56 डिवाइड बाय 8.72 प्लस 10.56 इंटू 100। ठीक है, तो बिना कैलकुलेट करके भी अपन बता सकते हैं वी एफ बी विल बी दिस। सेट है क्या, फुल पावर, मस्त एकदम आंसर आया? मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन लगाने में, ये बताइए पहले तो, मजा आना चाहिए। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप सब दोगे, एंड लेट सी किस किस को वाकई में चीजें समझ आई हैं या नहीं। चलिए आंसर दे दीजिए फटाफट से, पानी कहाँ गया है। हाँ जी जरा, वैसे ये टाइमिंग भी सही है क्या? डेली क्लास लगा दे इस टाइम, कल तो अभिनव सर का सेशन है इसी टाइम पे, मिस मत कीजिएगा, इसी इसी चैनल पे है। ठीक है सर, चलिए बता दीजिए। गुड इवनिंग अंजलि, कैसे हो आप? फॉर टिपिकल वैल्यू इन मार्शल टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, बताइए। ऑल द वैल्यूज आर प्लॉटेड विद मार्शल स्टेबिलिटी नंबर ऑन द एक्स एक्सिस, ओके। द फ्लो वैल्यू इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ओके। यूनिट वेट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन इज फाउंड टू बी डिक्रीजिंग, ओके। परसेंट वॉइड्स बिकम जीरो एट द एंड ऑफ द टेस्ट, फटाक से आंसर आप सभी बता सकते हो इस सवाल का बिल्कुल आसानी से, अगर आपने ध्यान से ये सेशन शुरू से देखा था तो। क्विकली बता दीजिए एवरीवन आंसर। मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई कि मुझे स्टेटमेंट नहीं पढ़ना चाहिए था पहला वाला, अदरवाइज कुछ और आंसर्स देखने को मिलते। चलिए सही है, अच्छा है आप लोग ने नोटिस किया। आपसे नॉट ट्रू के बारे में पूछा गया था तो 1 एंड 4 आपका बिल्कुल यहाँ पे नॉट ट्रू है, यानी कि आपका आंसर डी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है सर, बोला क्या गया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट एंड बिटुमिन आर दिस मच, द यूनिट वेट ऑफ बिटुमिनस मिक्सचर कंटेनिंग 70% कोर्स एग्रीगेट 24% फाइन एग्रीगेट एंड 6% बिटुमिन बाय वेट ऑफ द मिक्सचर, द वॉइड्स आर आफ्टर कॉम्पैक्शन इज 8%। ठीक है, आपसे बोला गया कितना बाय मिक्सचर इज डैश, अच्छा वेट ऑफ बिटुमिन मिक्सचर कंटेनिंग 70% इतना 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 इतना, ठीक है।
हो जाए दो दो हाथ एवरीबडी। आपको बता देना है यहां पे यूनिट वेट ऑफ मिक्स, बताओ यूनिट वेट ऑफ मिक्सचर बताना है। सवाल बढ़िया है, आप कर सकते हैं, आपसे हो सकता है। पहले तो जीटी की वैल्यू बता दीजिए क्विकली। देखो भाई, अगर अपने को चाहिए यूनिट वेट ऑफ मिक्सचर तो अपने को एक चीज जाननी पड़ेगी, वो क्या है? वो है जीएम, क्योंकि जीएम क्या आएगा, गामा एम बाय गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू अपन जानते हैं, गामा एम हमें मिल जाएगा, ठीक है। जीएम निकालने के लिए हमें पता है वीए होता है जीटी माइनस जीएम अपॉन जीटी इंटू 100। सही बात। जीटी क्या यहां से निकल सकता है? देखो वॉइड्स आफ्टर कॉम्पैक्शन तो दिया हुआ है, 8% तो अपने पास है, उसकी टेंशन नहीं है अपने को। बट जीटी निकाल लें क्या? जीटी निकल जाएगा सर, जीटी हो जाएगा आपका 100 अपॉन 70 बाई 2.8 प्लस 24 अपॉन 2.66 प्लस 6 अपॉन 1। फटाक से जीटी की वैल्यू यहां से निकलेगी, दैट विल बी 2.498। वेरी गुड अभिषेक, 2.498 बेटा ये आ गया। अच्छा तो अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, 8% अपने को दिया गया है, तो 8 इंटू नहीं, इज इक्वल्स टू जीटी, जीटी 2.498, ठीक है, इसको वो कर देना हटो, 1 माइनस जी एम चाहिए, जी टी इज 2.498 इंटू 100। यहां से सर आप जीएम की वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल लेंगे जीएम की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 2.298, ठीक है, जीएम विल बी 2.298 या फिर 2.3 भी आप लिख लो। अब भाई साहब जीएम आ गया है, आप निकाल सकते हो वैल्यू। आप याद रखना एक चीज, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बोला है, तो हीरो बनती ना गलत मत कर दीजिएगा, आपका आंसर आ चुका है सर। तो दोस्त आई होप आज के इस सेशन से आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है जो आप करने आए थे यहाँ पे, जो कि हाईवे मटेरियल में मिक्स डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आई होप आपने फुल पावर से एंजॉय किया होगा आज का ये सेशन। पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना है। कल ठीक इसी वक्त अभिनव सर भी आएंगे और मेरा एक और सेशन है कल, कल 6 बजे है सर, इसी चैनल पे है। आप सभी लोगों को मैं इनवाइट करता हूं, जरूर आइएगा। बहुत मजेदार सवाल हम लोग देखने वाले हैं, 10 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आप सभी से पूछे जा सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, अगर इंटरव्यू में नहीं तो थियोरेटिकली कहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग सी चीज है, हमारे सामने ही है पर हम कभी सवाल नहीं करते, वो एक ऐसे क्वेश्चन है। अगर आपने सेशन एंजॉय किया एक बार मुझे हार्ट साइन भेज दो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में, जो मेरी एनर्जी लगी है कम से कम मुझे पता चल जाए कि मजा आया आप सभी को समझने में। इसका पीडीएफ दे दीजिए, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे, सिविल चैंपियन जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, 7 मिनट पहले छोड़ दिया मैंने, तो हैप्पी बर्थडे अगर किसी का बर्थडे था तो। आई होप आप एंजॉय करें अपना फुल पावर से बर्थडे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आई एक्चुअली एंजॉयड अलॉट इन दिस सेशन एंड आई होप आप सभी ने यहाँ से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा। अगर आप लेट आए थे तो एक बार सेशन को शुरू से देख लीजिएगा, 1.5x तो नहीं 1.25x पे देख लीजिएगा, ओके। बाकी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज का वीडियो चाहिए, जैसे कि अगर आपको वेलोसिटी ट्राइंगल बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो, आई कैन कंडक्ट वन सेशन ऑन वेलोसिटी ट्राइंगल का फॉर्मेशन, बहुत आसान तरीके से, सिंपलेस्ट भाषा में जो अवेलेबल हो सकती है मार्केट में उस हिसाब से, ठीक है। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, माय नेम इज जोशित सिंह एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे ट्यून विद ग्रिड अप, क्योंकि ग्रिड अप के साथ अगर सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। थैंक यू सो मच सावनी, यस आई विल प्रोवाइड वेटेज टू यू, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन द टेलीग्राम चैनल, सिविल चैंपियन ना, आपको प्रोवाइड कर देंगे वो चैनल। सर ट्रैफिक में प्रॉब्लम है सर, ट्रैफिक का तो मैं सोच रहा हूँ सर वो ले लिया जाएगा आपका, क्या कहते हैं इसको, मैराथन सेशन, एक मैराथन रखेंगे ट्रैफिक का, ग्रिड अप गेट यूट्यूब चैनल जो मेन चैनल है उस पर रख लेंगे या इस पे रख लेंगे, जहां भी आपका होगा वहां हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए डिटेल अगर चाहिए तो आपको सिविल चैंपियन जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, आई लेट यू नो। Full power से hit the like button, share the session, and I will see you in the next video tomorrow at 6 PM. Thank you so much for being here. Bye bye. Take care. See you. Can I know your Telegram channel? Sir, it's Grid Up Civil Champion, sir. You can search, it is given in the description box also. Okay. Thank you. Bye bye. I hope you enjoyed. Thank you.